नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। शुक्रवार को उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी। अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने कहा था कि आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फाइल की उपराज्यपाल ने रोक लगा रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इस मामले पर बात करने के लिए एलजी से 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया। इस पर उपराज्यपाल के दफ्तर की ओर से कहा गया कि आतिशी गलत बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। एलजी ने कहा कि सरकार ने बीते 6 सालों में निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं कराया है। मैं इस बिजली सब्सिडी के फैसले के समर्थन में हूं, लेकिन बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी गई है उसका ऑडिट होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो उसे रोका जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि जब बिजली सब्सिडी पर फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। वीके सक्सेना ने कहा कि मुझे ये फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई। अब सरकार की ओर से 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करने की क्या जरूरत है। एलजी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू नहीं करने पर भी सवाल पूछे। बता दें कि इसके तहत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से बिजली कंपनियों का ऑडिट करना जरूरी है। उपराज्यपाल ने हैरानी जताई कि बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट को निरस्त करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सरकार से मामले की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करने को भी कहा है। बता दें कि सरकार और राज्यपाल के बीच कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है। सरकार पहले ही तरह से मुफ्त बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रखना चाहती है। वहीं एलजी का सुझाव है कि सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जाएं। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी ने निर्देशों का पालन न करने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।